हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है असली नकली की पहचान। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह से एक चाचा ने अपने भतीजे को रत्नों की पहचान करना सिखाया और रत्नों की पहचान कराने के बाद उसे ज्ञात हो गया कि असली नकली की पहचान होना क्यों आवश्यक है। एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद उनके परिवार में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में घर चलाने के लिए माँ ने अपना कीमती हार लड़के को बेचने के लिए दिया और कहा कि इस हार को अपने चाचा को दिखा देना, वे भी एक बहुत बड़े जौहरी हैं, वे अवश्य ही इस हार के अच्छे दाम दिलवा देंगे। लड़के ने सोचा कि इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, कुछ समय तो घर का खर्च चल ही जाएगा। वह हार लेकर अपने चाचा की दुकान पर गया और हार दिखाया। चाचा ने हार को अच्छी तरह से कई बार देखा और फिर अपने भतीजे से कहा, बेटा अभी बाजार बहुत मंदा चल रहा है, इसे थोड़ा सा रुक कर बेचना तो इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम जब तक मेरी दुकान पर काम कर लो, मुझे वैसे भी एक भरोसेमंद लड़के की आवश्यकता है। लड़का अगले ही दिन वहाँ काम करने सीखने लगा। वहाँ उसे हीरो व रत्नों की परख करना सिखाया गया। अब उस लड़के के घर पैसों की तंगी नहीं रही। धीरे धीरे रत्नों की परख में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग रत्नों की परख कराने उसके पास आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने बुलाया और कहा, बेटा जाओ, अब तुम जो हार बेचना चाहते थे उसे ले आओ। लड़के ने जैसे ही घर जाकर माँ से हार लिया, हाथ में हार आते ही वह पहचान गया कि यह तो नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास आया और पूछा कि आपने उसे तुरंत क्यों नहीं बताया कि यह हार नकली है। तब चाचा ने कहा कि अगर वे उस समय उसे कहते कि यह हार नकली है तो वह उसकी बात को कभी भी नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता और सोचता कि संकट की घड़ी में उसके चाचा ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन आज जब तुम्हें स्वयं रत्नों का ज्ञान हो गया है, तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। कभी कभी समय पर सही बात न बताना भी बहुत सही होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी सही बात को बताने के लिए भी समय का सही होना आवश्यक होता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? थैंक यू। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।